हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू न्यूट्रन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन यहाँ पर पढ़ रहे थे प्रीवियस ईयर के जो पुलिस में आई हुए पेपर हैं उनका अपन मैथ का सॉल्यूशन देख रहे थे। और सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर अपन जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो आपको बहुत ही मदद करेंगे आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। जो भी एग्ज़ाम आप दोगे, यहाँ से आपकी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होगा। और जैसे डेवलप होने के बाद कॉन्सेप्ट, आप एक नए पर्सन के रूप में उभरेंगे और आपका एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें। चलिए, अब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं पुलिस के। ये क्वेश्चन हमने आपको दिया था पिछली वीडियो में कि ये आपको लोग सॉल्व करना। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, अपना दो चार सेकंड में सवाल उड़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सवाल, ये क्या है। कह रहा है कि जो ये जो नंबर है, ये नंबर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो नंबर है, इस नंबर के हिसाब से आपको बताना है क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि जो क्षेत्रफल जो दिया गया है, तो भुजा बताना है, मतलब वर्ग की भुजा है। तो भुजा की भुजा क्या होती है, ये स्क्वायर होता होगा। तो आप लोगों को इसको करने में तो पसीना बह गया होगा, आप लोगों का काफ़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। और यदि आप हमारे कॉन्सेप्ट से करोगे तो मात्र 3 सेकंड या 4 सेकंड में सवाल उड़ा दोगे। तो पहले आप ज़रूर करना इस सवाल को कि आप कितना टाइम ले रहे हो। और एक चीज़ और बता देते हैं, आप लोग 12th पास करके आए हो तो एग्जामिनर नहीं चाहता कि तुम कैलकुलेशन करो। वो जानता है कि तुम 12th पास करके आए हो, तुम्हें कैलकुलेट करना आता है, पर क्यों वो कैलकुलेशन दे रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक इस पर विचार नहीं करोगे ना, तो नहीं कर पाओगे सवाल। चलो, तो हम आपको अपना मेथड बताते हैं। इस तरह सोचना स्टार्ट करो। देखो, ये संख्या है, क्षेत्रफल पता है, भुजा स्क्वायर है। तो इसका भुजा बताने, तो आपको पता है ये 100 से ज़्यादा है। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो भुजा होगी 100 से ज़्यादा है। तो आप स्क्वायर है जो 100 से ज़्यादा है, तो हम कहेंगे जो भुजा होगी वो 10 का स्क्वायर होता है, तो हम कहेंगे 10 के आसपास रहने वाली है हमारी, ठीक है। तो ये जो बी उत्तर है वो नहीं है हमारा, करेक्ट है। अब हमारे पहला, तीसरा और चौथे में से कोई एक उत्तर होगा। यहाँ देखो, अपने यदि पहला, आप कितना है जी, देख रहे हो आप 101 है, 0.1 का भी पॉइंट में है, करेक्ट है। तो आप कह रहे हो जो ए स्क्वायर है, तो आप कहोगे जो ए आएगा हमारा वो 10 के उसमें आ जाएगा, ठीक है। इतना हम आपको बता रहे हैं ये सब ऐसे करने के, ठीक है। इतना वो है नहीं, इतना मतलब टाइम नहीं लगना है। तो तुरंत देखा अपन ने कि 10 से ज़्यादा है, तो 10 से ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है वो चेक कर लेते हैं। इसका देखो ये कितना है, इसका आप अंडर रूट लेकर देख रहे हैं। इसका अंडर रूट कितना है, इसका अंडर रूट ये 10.2 है। 10.2 का अपन स्क्वायर करके देख रहे हैं कितना होता है। इससे अपन को आरडीएम मिलेगा, कहाँ जाना है अपन को, पीछे जाना है कि ऊपर जाना है, ठीक है। 10 से 24 का स्क्वायर करना आप लोग सब जानते हो कैसे करते हो। जितना भी ज़्यादा होता है 100 से, उसका कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा है। ये बिंदी बाद में करेंगे, बिंदी का जो भी रहेगा बाद में अपन कर लेंगे। तो स्क्वायर करना ठीक रहा है इसका, 2 का स्क्वायर 4, 0, 4 लगाओगे 2 अंक तक, ठीक है। फिर अब जितने भी ज़्यादा है 100 से, वो अंक जोड़ देते हैं। 2 ज़्यादा है 100 से, तो 2 इसी नंबर में 2 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 104। क्या किया हमने कि जब कभी किसी का स्क्वायर निकालना है आपको, 100 के आसपास की संख्या है, तो मान लो 102 था इसका स्क्वायर निकालना था। तो देखो जितना भी 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर करोगे 0, 4 2 अंक लोगे 2 अंक। मान लो 5 ज़्यादा होता तो 5 का स्क्वायर 25 लिख देते हैं, ठीक है। 100 से जितना भी ज़्यादा, अब जितना 100 से ज़्यादा था, 2 ज़्यादा था, तो इसी में 2 जोड़ देंगे आप, इसी में 2 जोड़ दोगे तो 104 बन जाएगा। जितना ज़्यादा होता है उतना ही उसी नंबर में जोड़ दिया जाता है, राइट, 100 से, क्योंकि बेस अपन ने 100 लिया है। इसका हो गया, अब 2 अंक बाद, अब 1 अंक बाद 10 था, तो यहाँ पर कितने अंक बाद 10 लग जाएगा, 2 अंक बाद 10, तो 104 आ रहा। तो ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो 10.2 तो हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो 104 आ रहा, तो इससे कम होगा हमारा। तो इससे कम क्या है, ये 10.05 ये है, ठीक है। आप लोग गलती से ये तीसरा वाला मार्क नहीं करना है, ये तो 10.5 है, ये 10.5 है ये, और सबसे इससे कम आना है, 10.20 से कम आना है। तो वही एक ही उत्तर था चौथा। अब जो कितना फास्ट कर सकते थे, अब हम आपको लास्ट बार बता रहे हैं कैसे करना है। सबसे पहले अपने देखा ये नंबर पूरा सॉल्व तो करना ही नहीं है, पहले माइंड को समझाओ अपने कि मैं जीनियस हूँ, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, मुझे सेलेक्ट होना है तो मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए, बस इस पार्ट पर आप अड़े रहना तो कर ले जाओगे।
सौ से ज़्यादा है, आप देखो सौ से ज़्यादा दस के आसपास आना चाहिए, हमारा ये नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से देख लेते हैं, अब इसका देखो पहले का हम पहला ऑप्शन लेकर देख रहे हैं, इसका कितना जा रहा है, इसका जा रहा है जो दस का ये एक सौ जो आपको ऐसे देख रहा है दशमलव दो, एक सौ दो दिखना चाहिए दस, इसका दो का स्क्वायर जीरो चार और एक सौ चार एक ऊपर जा रहा है, एक सौ चार दशमलव जीरो चार ही आ रहा, तो आपको ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा, हमें तो एक एक तक जाना, तो आपको कम आएगा इससे उत्तर नहीं आ रहा, ये है बस, इसके बाद कम दस दशमलव दो से इससे कम यही है बस मेरे मित्रों, और दो सेकंड में कर दिया अपन ने, समझ कि नहीं, लिखना नहीं था बिल्कुल, माइंड में चलना है ये चीज़ करेक्ट। चलो इसमें इस तरह आप सोचना तब आप उत्तर कर पाओगे, याद रखो कैलकुलेटर कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं अपन। अब इस सवाल को देखो, इस सवाल में गलती थोड़ी ये है कि इसमें जो व्युत्क्रम ये नॉट वाला नहीं है, ये नहीं है, ये लिखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेसिप्रोकल ऑफ, इस नंबर का रेसिप्रोकल बताना है, मतलब रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम बताने के लिए सिंपल सा पंडा होता है कि जो ये पाँच बटे सात है इस पी पावर, आपको ये सब लोगों को पता ही होगा तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्युत्क्रम होता है तो इसके बटे में हो जाता है, ठीक है ये, और पावर है जो माइनस की वो हो जाती है प्लस, राइट। तो अब जो सात का चला जाएगा ऊपर, सात बटे पाँच की पावर छः, ये उत्तर पहले ही में दिया गया है, तो ऐसे पूछ रहा है कौन सा उत्तर रेसिप्रोकल है, तो सीधा करना है कैसे करना है, अब देखो करते हैं, पाँच बटे सात है जैसे देखा, पाँच बटे सात है ये, पाँच बटे सात का उल्टा क्या होगा, सात बटे पाँच, पावर में जो माइनस पावर थी ये क्या बन जाएगी प्लस, ये कही है बस खत्म हो गया, ठीक है ये क्वेश्चन गलत था, और यहाँ पर नॉट नहीं है, ये लिखना है यस, कौन सा रेसिप्रोकल है, तो कुछ नहीं करना है, इसका जो उल्टा दिया है, अब मान लो ऐसा लिख देते हैं, हम लिख देते हैं आपको दो, दो की पावर है माइनस के तीन, आप बताइए इसका रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, तो कुछ नहीं करना, ये पावर क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, माइनस के दो इधर हो जाएगा ऐसा बस, ये पावर कैसे हो गई प्लस में हो गई, कुछ नहीं करना है, बट एक के बटे में आ जाता है हर चीज़ करेक्ट। तो सीधा मान में समझ में आई, जब कभी अब आपको कभी भी माइनस पावर दिया है तो उसका बटे में ले आओगे आप, तो वो रेसिप्रोकल कहलाता है, उसे ही व्युत्क्रम बोलते हैं अपन हिंदी में। चलिए ये उत्तर हो गया, अब देखो बहुत आसान पेपर है, इसलिए हम आपको सीधा करते जा रहे हैं। देखो इस सवाल को पहले आप लोग हल करना, कितना टाइम ले रहे हो इस पर ध्यान देना, कितना आपने टाइम लिया, कैसे आपने अप्रोच लगाई, उसके बाद मेरी अप्रोच जो होगी शायद आपके होश उड़ा दे, हाँ होश उड़ा जाएंगे आपके। देखो इस सवाल को देखो, अच्छा अपन इस सवाल को पूरी कैलकुलेशन तो आप लोग कर लेना, इस तरह कर लेना, ठीक है इस तरह करोगे आपस में गुणा करने के बाद, ठीक है मैं इतना कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं सीधा सीधा करने वाला हूँ कि भाई मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि भाई मैं कुछ वैल्यू एज्यूम करूँगा, क्या करूँगा वैल्यू एज्यूम करूँगा, मैं कह सकता हूँ ए बराबर बी है, बताओ यदि मैं कह दूँ ए और बी को बराबर मान लूँ, सबको मान लूँ मैं जीरो जीरो मान लेता हूँ ए और बी को, कैसे कर सकता हूँ, ऐसा करोगे तो एक्स और एक्स बराबर आ जाएगा, नहीं कर सकते ना, चलो फिर क्या करोगे आप, फिर आप बोले भैया हमारा ऐसा दिमाग में आ रहा है कि बी बराबर जीरो कर लूँ, हम कहें बी बराबर जीरो मान लो आप, तो बी बराबर जीरो मानोगे सबसे, तो कभी भी वैल्यू एज्यूम करोगे ना तो एक या जीरो किया करो, क्या किया करो एक और जीरो, हम एक या फिर जीरो, ये बहुत आसान रहता है, इसलिए अपन एक और जीरो करेंगे हमेशा वैल्यू एज्यूम करेंगे। तो आप बी को जीरो करोगे तो बी को जीरो करने के बाद ये जीरो हो जाएगा, ये एक्स बटे ए आ जाएगा, यहाँ भी एक्स बटे ए आ जाएगा, दोनों बराबर आ जाएंगे तो ये भी वैल्यू बन नहीं होगी करेक्ट है। और जैसे बी को जीरो करोगे तो ऑप्शन भी देखो ज़रा, ऑप्शन भी पहला और ये दोनों समान हो जाएंगे, तो अपन चेक नहीं कर पाएंगे कौन सा अपना उत्तर है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ और वैल्यू मानो, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये समझ में आई कि नहीं आई, हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप बी को जीरो नहीं मान सकते, ए को भी जीरो नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि ए के जीरो में दो ऑप्शन है जो बी वाला और सी वाला, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, पर पता नहीं चल पाएगा कि ए के जीरो मानने के बाद कौन सा उत्तर सही है, ठीक है। तो ये सही समझ में आना चाहिए, जब तक आप सवाल सॉल्व करने के पहले ये चीज़ समझ में आना चाहिए क्या हम रखें, ऑप्शन को जरूर देखा करो जब वैल्यू मानना चाह रहा है आप, तो ठीक है चलो आओ। अब हमारे दिमाग में आ रहा है कि हम ए, देखो यहाँ पर ए है, ए में से आप बी घटा रहे हैं, तो हम ए को दो मान लें और बी क्या मान लें एक, मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी आपके उत्तर रखोगे ये बी के तो वो अलग अलग आ जाएंगे करेक्ट है। अब देखो अब उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर देखो एक्स प्लस के बी को हमने एक माना, एक नीचे क्या हो जाएगा एक, कोई एक हो गया, यहाँ देखो एक्स माइनस के एक, यहाँ कितना आ जाएगा तीन, अब देखो ये कितने गुना है, तीन गुना है, ये कितने गुना है, एक में तीन का गुना होगा तब तीन बना, तो इसमें भी आप तीन का गुणा कर दो, आप इसमें भी तीन का गुणा कर दोगे करेक्ट। कैसे समझ में आएगा, नहीं हम क्या कह रहे हैं नीचे का जो अपन ने ये तुलना कर दी नीचे नीचे की, एक में तीन जोड़े एक में तीन का गुणा किया तब ये बना, तो इसमें भी तीन का गुणा हो जाएगा,
इसमें भी तीन का गुणा कर देंगे अपन, तब इसके बराबर ये आ जाएगा। सीधा सिंपल मान में करेंगे डायरेक्ट, क्या हो जाएगा, मान में करोगे 3x, यहाँ पर माइनस के 3, ठीक है, और यहाँ x प्लस एक्स माइनस के 1, करेक्ट है, समझ में आएगी नहीं। यहाँ से x चला जाएगा, 2x हो जाएगा, यहाँ x बराबर माइनस के 4 हो जाएगा, 2x बराबर 4, तो x बराबर माइनस के 2। माइनस के 2 कहाँ पर आ रहा है, ये देखो माइनस के 2, x की वैल्यू, अब देखो माइनस के 2 चाहिए, b की वैल्यू क्या रखी आपने, 1, तो ये पहला नहीं हो सकता, बी दूसरा हो सकता है, क्योंकि इसकी माइनस के 2 रखना है, एक यहाँ क्या रखना है, 2 रखोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, सी नहीं है, डी नहीं है, तो क्या है उत्तर नंबर बी सही है, करेक्ट है। कैसे क्या किया हमने, फिर समझो, बिल्कुल हमने ए को 2 माना, बी को 1 माना, दो ए को 2 माना, बी को 1 माना, क्यों माना, क्योंकि 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा। अब जैसे हमने देखा तो ऊपर दिमाग में आ गया कि एक्स प्लस के 1 और बटे ये 2 में से गया 1 बचा, यहाँ पर एक्स माइनस के 1 बटे 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 गुना आइए तो इसका भी ये 3 गुना हो जाएगा, ये आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, इसका भी 3 गुना ये हो जाएगा, तो क्या करेंगे 3 गुना कर देंगे तो 3x और एक 3, यहाँ देखो एक्स इधर जाएगा तो 2x होगा, यहाँ 3 माइनस के 3 प्लस के इधर चला जाएगा, माइनस के हो जाएंगे 3, तो 3 एक 4, एक्स बराबर माइनस के 2, उत्तर माइनस के 2, एक्स बराबर माइनस के 2 किस ऑप्शन में आ रहा, ए की वैल्यू 2 रखोगे तो जैसे पहले बी रखोगे तो बी उत्तर हो जाएगा अपना, करेक्ट। ये आपको दिमाग में रखना है इस तरह चीज़ें कि कब हमें क्या वैल्यू माननी है, ऑप्शन देखोगे तभी आपका दिमाग में आएगा और इस पर वर्क करना। अब आप एक कोई दूसरी और भी वैल्यू मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2 ही और 1 मान सकते हो, आप यहाँ पर ए की वैल्यू 3 मान लो और बी की वैल्यू 2 मान लो, जो आपके दिमाग में आए वो मान लो, लेकिन सबसे सरल रखा करो वैल्यू, हमेशा सरल वैल्यू रखा करो, ठीक है, जो आपके दिमाग में आए वो मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। बल लेकिन आप 0 0 मानोगे ना तो ये चार ऑप्शन में से 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, 2 ऑप्शन 0 0 हो जाएंगे, इसलिए आप ऐसी वैल्यू माने जिससे कि चारों ऑप्शन है जो डिफ्रेंशिएट हो जाए, वो अलग अलग आ जाए उनके उत्तर, ठीक है। इस तरह की वैल्यू पर आप विचार करें। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है ये देखो, ठीक है, क्वेश्चन विचार करो, आओ करते हैं सॉल्व। क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी दो सी डी और दो पैरेलल रेखा, ये पैरेलल के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, पैरेलल जो रेखाएं रहती हैं। चलो अनुप्रस्थ रेखा एक पी को ए बी को ई पर, ये देखो ई पर काट रही, क्या काट रही, ये ई पर काट रही है ए बी को, और सी डी को एफ पर काटती है, दोनों काटती है, ठीक है। कह रहा ए ई पी बाई है, ए ई पी, ए ई पी ये है बाई, लिख दिया हमने बाई। फिर क्या है पी वी एक्स है, पी ई बी, पी कहाँ है, ये मेरा पी ई बी ये एक्स है, इस एक्स हो गया, करेक्ट है, ये वाला जो पद है ये एक्स हो गया, करेक्ट। क्या कह रहा डी एफ क्यू, 3x है, डी एफ क्यू, डी एफ क्यू ये जो है, ये जो पद है ये कितना है, 3x है, चलो ये भी हो गया। फिर कह रहा तो बाई का मान बताइए, क्या बताइए बाई का मान, देखो जब कभी रेखा ऐसी दी हो, ये ट्रांसवर्सल रेखा काटती है तो ये जो रेखा है 180 का बनाती है, यहाँ पर कैसे बनाती है 180 का, करेक्ट है, 180 कौन बनाती है, ये बाई है और ये एक्स है, तो दोनों का एक्स प्लस बाई कितना हो गया 80, 180 एक्स प्लस बाई कितना हो गया 180 हो गया, चलो ये हो गया अपना उत्तर, करेक्ट है, और कुछ दिया नहीं इसने, करेक्ट। अब बाई का मान पूछा है तो यहाँ पर अब देखो ये जो वैल्यू है, ये जो है इधर जो एक्स की इधर वाली जो रेखा है, देखो इधर इधर ये वाली देख रही कि नहीं देख रही, ये जो रेखा है ऐसे इधर बना के दिखा देते, ये वाली जो ऊपर की एक्स है तो इधर की जो रेखा है ये भी एक्स अस्सी बनाएगी, तो जो जितना बाई यहाँ पर है वो उतना बाई यहाँ पर भी हो जाएगा, करेक्ट है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो 3x दिया गया है अपन को, जब तक x की वैल्यू पता नहीं चलेगी, जब तक अपन y की वैल्यू नहीं पता बता पाएंगे, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, ठीक है। तो अपन को ये बात समझना है कि भाई y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, तो y की तुरंत बता देंगे अपन, ठीक। अब देखो हम बताना चाह रहे हैं आपको कि ये जो रेखा है, ये देखो इसमें से हम क्या कर रहे हैं कि ये जो रेखा है यहाँ पर, देखो हम आपको पूरा क्लीन करके बताते हैं, ये जो ऐसी रेखा है ये देखो, ये एक्स है तो हम कहेंगे पूरी होती है 180, ये कितनी होती है 180 होती है पूरी 180, 180 में से ये x इधर कट जाएगा तो कितना बचेगा 180 माइनस के x, करेक्ट है, ठीक। और अब जो दो ट्रांसवर्सल रेखा ये काटती हैं तो हमें पता है कि जो इधर का कोण होता है और ये जो कोण होते हैं ये कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाला यदि रेखा के एक ही साइड दो कोण होते हैं, एक साइड कोण होते हैं तो ये कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो 180 माइनस के x है, ये अब ये रेखा ऐसी कटी है, ये कितनी है 3x है,
तो जो 180 माइनस की एक्स है वो जो 3x है वो कैसे हो गया, बराबर हो गया अभी, करेक्ट है। तो एक्स इधर चला जाएगा तो 4x हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 45, इसमें आएगी नहीं है, x बराबर 45 तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 135, करेक्ट है। दोनों का जोड़ 180 था ना, उत्तर हो गया कहाँ है जी 135, करेक्ट। बहुत आसानी से कर सकते थे ये चीज़, आप सोचो विचार करो तो सब हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे किया देखो, कैसे किया समझो इस चीज़ पे, ये दो रेखाएं हैं, अब कभी भी देखो ये था अपना बाई, ये था अपना एक्स, तो हमने दोनों का जोड़ कितना 180 है, लेकिन हमको ये दिया गया था 3x, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि भाई हम यदि ये रेखा एक कोण निकाल ले हैं ये वाला, तो हमें पता है ये होता है 180 माइनस के एक्स, क्योंकि ऊपर का ये पूरी जो एक ये जो लेन है इस तरह की, ये में इसमें जो ये है 180 बनाता है, जब ऊपर का एक्स हो जाएगा तो नीचे का 180 माइनस के एक्स बचेगा, ठीक है। अब देखो ये जो ये वाला कोण है रेखा के एक साइड है, ये भी रेखा के एक साइड है, ये दोनों कैसी हैं समांतर रेखा है, पैरेलल रेखा है, पैरेलल रेखा के दोनों एक साइड हैं, पैरेलल रेखा कभी भी दिए हों एक साइड कोण होते हैं तो आपस में बराबर होते हैं, तो ये आपस में बराबर होते हैं तो 3x हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 45, x की वैल्यू 45 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है 135। बहुत आसान था, कर सकते थे, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बता देते हैं। दो जब पैरेलल रेखा हो, इसमें ये ट्रांसवर्सल होती है, ये काट रही रेखा, तो जो ये कोण होते हैं और ये कोण होते हैं बराबर होते हैं, करेक्ट है। अब इसमें देखो, इसमें ये जो कोण होता है ये वाला, ये कोण और ये कोण रेखा का एक ही साइड है ना ये वाला, ये दोनों कोण हैं ये बराबर होते हैं, करेक्ट है, ठीक। देखो इसमें जेड जैसी आकृति बन रही है, जेड जैसी आकृति बना देते हैं हम, तुम्हारी जेड जैसी भी आकृति बन रही है, देखो अभी बता रहे हैं तुम्हें जेड जैसी आकृति कहाँ बन रही है, ये देखो ये और ये जेड जैसी आकृति बन रही है, कहीं बन रहा है ये जेड जैसी, तो इसमें जो कोण जितने का रहेगा वही कोण उतने का यहाँ भी रहेगा, करेक्ट। चलो ये चीज़ समझ में आ रही, ये चीज़ समझते चलिए आप, हम नंबर डाल देते हैं, जैसे कि एक है ये एक है, तो इधर देखो हम सही से डीप में बता रहे हैं कि आप लोग वैसे तो जानते होंगे, लेकिन जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता रहे हैं। दो पैरेलल रेखा है, तो इसमें जो ये ऊपर का कोण है, ये इधर का दूसरा नंबर का, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का, ठीक है, और ये चौथे नंबर का हो गया। अब इधर देख लो, ऐसे इधर हो जाएंगे, ये पाँचवें नंबर का, ठीक है, ये पाँचवें नंबर का हो जाएगा। इधर देख लो, ये छठवें नंबर का हो जाएगा, ठीक है, इधर देख लो, ये सातवें नंबर का हो जाएगा, ये आठवें नंबर का, ये आठ बनते हैं। आठ में से अब हम बता देते हैं, जो एक है ये एक है, एक तीन के बराबर होगा, दो चार के बराबर होगा, जब कभी रेखाएं ऐसे दिए हैं तो इसके बराबर ये कोण होता है, इसके बराबर ये कोण हो जाता है, करेक्ट है। ये आप लोग दिमाग में रखें इसको, इसके बराबर हो, ठीक। ये उसके बाद ये जो रेखा के एक ही साइड रेखा के इधर और इधर जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, और जो इधर या इधर हैं तो ये बराबर होते हैं, करेक्ट। फिर तीसरी बात कि जो रेखा के दोनों अंदर ही होते हैं, दोनों अंदर होते हैं, इन दोनों का जोड़ जो होता है वो 180 होता है, रेखा के यदि अंदर हैं दोनों कोण तो दोनों का जोड़ भी 180 होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग दिमाग पर रखें, ठीक। फिर और चीज़ क्या बनती है, ये देखो, इसमें ये जो कोण है, ये जो कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, एक है तो ये दो है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, करेक्ट। ये जेड जैसी आकृति बन रही है, बहुत आती है ये क्वेश्चन, दो समांतर रेखाएं, इसमें ये कोण ट्रांसवर्सल कहलाते हैं, इनके जी इसमें जो बनाते हैं ये कोण बराबर होते हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। चलो ये तो सब बता दिया हमने डिटेल में आपको, जो बच्चों को नहीं जानते वो बताएं, और जिनको आता है वो लोग तो ठीक है। चलो ये क्वेश्चन दिख रहा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब है एग्जामिनर को, ये जानना चाहता है कि तुमने ये आप नंबर देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, ये 115 की पावर 155 की पावर ए 3 है, मतलब ए क्यू माइनस के बी क्यू, आप लोगों को ये आता है कि नहीं आता, ए बी प्लस, ठीक है, ए यहाँ पर ए स्क्वायर है और प्लस ए बी, और यहाँ पर प्लस के बी स्क्वायर, ये आप लोगों को आता है। देखो इसको फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस के बी फिर ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, तो ये इससे ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा ए माइनस के बी, मतलब 155 में से 55 घटाओगे तो 170 हो जाएगा, करेक्ट। मतलब इसमें आपको क्या देखना था, इसमें ये देखना था कि आपको ये फॉर्मूला आता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, हमेशा कभी कभी क्या कहेगा, ए पूछ लेगा ए प्लस बी क्यू का, ठीक है। तो
आप लोग इसको भी ध्यान रखें, ए प्लस के बी, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए भी होता है इसमें, ये याद रखें आप लोग। और ए क्यू माइनस के बी क्यू क्या होता है, ए माइनस के बी, यहाँ पर माइनस लग जाता है और पूरे प्लस रहेगा आप इसमें, ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस के ए बी, बस इसमें यही दो फॉर्मूला है जो बनाता रहता है ये आपस में। क्या करता है को दो, इसमें जो 155 है ये तीन बार है, 155 भी तीन बार है, ठीक है, तो ये तीन इन दोनों का गुणा किया है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी, देखो यहाँ, और ये बी स्क्वायर, तो ये दोनों दिया तो आप समझ जाओगे ऊपर का ए माइनस के बी यही रहेगा हमेशा, मतलब इस तरह की चीज़ें हमेशा देता है ये, तो आप लोग इस चीज़ पर वैसे ध्यान रखें। ये फॉर्मूला के फॉर्म में पूछता है कि आपको फॉर्मूला आता है कि नहीं आता, ये जानना चाहता है बस, और कुछ नहीं, आप देख पाते फॉर्मूला के रूप में कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं आपको एक डिफरेंट सोच बता रहा हूँ। अब देखो इसमें 30% अंक प्राप्त करता है तो 50 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, मतलब यदि आप 50 अंक और ले आते तो पास हो जाते, ये कहना चाहते हैं, मान लीजिए ये लेन है, यहाँ पर आप पास हो रहे हैं, ये पास के लेन है, पी माना पास। अब आपने क्या किया कि 30% अंक ले आए, ठीक है, हमने कहीं ले आए 30%, और साथ में आप फेल हो गए, 50 अंक से फेल हो गए, मतलब आपको 50 अंक और लाते, यहाँ 30% इस लेन पे आप कह रहे हैं कि 50 अंक और ले आते तो हम यहाँ तक पहुँच जाते, ठीक है, यदि ये रास्ता जो है 50 अंकों का है, ठीक है, 30% होते प्लस 50 नंबर और होते तो हम पास हो जाते, यही है मतलब। अब ये क्या कह रहा, आगे क्या कह रहा, एक अन्य छात्र है जो 230 अंक प्राप्त करता है 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, मतलब ये जो पास है इससे, पास से क्या किया इसने 230 अंक प्राप्त किए, 30 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, मतलब 30 अंक ज़्यादा ले आया, ठीक है, वो यही कह सकता था 30 अंक ज़्यादा लेके आ गया, यही है इसके कहने का मतलब। तो 200 अंक ये जो पास थे ना इधर है 230 है, इसमें से 30 घटा भी दोगे ना तुम तो भी आप पास हो जाओगे, कह रहा तब भी आप तो पास हो जाओगे, समझ में आई कि नहीं। अब हमारी समझ में आ गई कि भाई ये जो पास हो रहा है ये 200 नंबर लेके पास हो रहा है, हो जाएगा। चलो हमारे दिमाग में ये आ रही कि आप 30% नंबर लेके आए, चलो हम लिख दिया यहाँ पर, हम काट के लिख देते हैं, यहाँ देखो यहाँ पर तुम्हें लेन बता देते हैं, यहाँ पर ये पास का था, ये 30% नंबर लेके आया, ये 30% नंबर लेके आया और 50 प्लस के और जोड़ दो तो पास हो गया, ये 230 में से यदि आप 30 घटा दोगे तब भी ये पास हो जाएगा, तो पास बराबर पास लिख सकते हैं अपन, ये आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। अब 30% प्लस के 50 बराबर 200, समझ आए कि नहीं, ये पास बराबर पास हो गया, 200 में पास हो रहा, ये 30% प्लस के 50 लेके ये भी पास हो रहा, तो पास बराबर पास लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ 30% बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो 150 और 30% बराबर 150, तो एक 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50, देखो 30% बराबर कितना हो जाएगा, 150, तो काट दो 30% है ये, ठीक है, 5 बार, 1% की वैल्यू कितनी है, ठीक है, 5, 100% की वैल्यू 500, यही तो पूछ रहा है अधिकतम अंक, मतलब 100% कितना होता है, तो आप कहोगे 500 होता है, करेक्ट। देखो इसमें वो ये भी पूछ सकता था तुमसे, इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो सब बता देते हैं, जिससे कि कभी दूसरे एग्जाम में भी, तो हमेशा यही सीखना है आप लोगों को कि हम क्या इस क्वेश्चन में सीखे क्या, बस यही आप लोगों की लर्निंग है। देखो कभी कभी ये पूछता है कि भाई इसमें जो बताओ कि जो परसेंटेज में बताओ आप, क्या पूछता है कि हमको पास होने के लिए कितना परसेंटेज अंक चाहिए था, तो आप डायरेक्ट यहीं से बता सकते थे, तो आपने इतना टोटल निकाला आपने, देखो टोटल निकाला 500 में से आपको कितना परसेंटेज नंबर चाहिए था, तो कई लोग कैसे करते हैं सवाल को, पहले आप लोगों को बताएं आप लोग कैसे करते हो। आप लोग कहोगे भाई 30% तो हमने 500 का 30% अंक कितना होता है, आप कहोगे 150, ठीक है, हाँ ठीक है हमने कहा, और प्लस के 50 और तब आप पास होते तो 200 हो जाते, 200/500, आप कहोगे 40% अंक चाहिए हमको तब पास होंगे, ऐसे करते हो आप लोग, लेकिन इतना करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा आप देखो, आपने कहा टोटल जो 500 है वो है 100% के बराबर, ठीक है, अब 30% तो मैं दिए ही है, हमको 50 अंक का और बताना है, तो आप कहोगे आधा कर दो इसको, 100% है ये कितने के बराबर, 500 के, तो हमको 50 अंक चाहिए, तो हमको 50 अंक चाहिए, तो मैं आप 50 कर दो, एक बंदी हटा दो तो 10% के बराबर हो गया, लियो खत्म हो गया। आप 50 अंक किसके बराबर, 10% के बराबर, 30 अंक जीते 30% जीते
और 50% का मतलब कितना, 10% तो पास हो जाओगे, 40% अंक चाहिए, खत्म हो गया, परसेंटेज में पूछ सकता है आपसे। तो हमने क्या किया, ये 500 हैं, 50 हैं, जो 50 को ही हमने परसेंटेज में बना लिया, 500 100% के बराबर, तो 50 10% के बराबर, खत्म, यही कह रहा। और यहाँ से नहीं करना तो यहाँ से कर लो आप, यहाँ से देखो 230 है, 30 में से 230 में से 30 चलेगा तो 200 अंक तुमने पास हो गए, 500 में से 200 अंक कितने होते हैं, 40%, खत्म। ये भी तो बहुत स्पीड से करना है, करेक्ट, समझ में कि नहीं। ये परसेंटेज में पूछ लेता है कि कितना परसेंटेज में पास होगा, तो आपको देखना है 30% तो दिए ही है, 30% से अब 50% जो अंक हैं उनको बताना है परसेंटेज में, तो 500 100 के बराबर, 100% के बराबर, तो 50 10 के बराबर, और 40% पास हो जाएगा, ठीक है। 40% मतलब 200 अंक चाहिए उसे 500 में, तब वो पास होगा। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 6 मीटर त्रिज्या और इसके केंद्र से 8 मीटर की जीवा की लंबी की दूरी क्या है। देखो अब इमेजिन करते हैं, मान में करेंगे, आप कहोगे 8 मीटर लंबी जीवा है, तो ये जब त्रिज्या है 6 तो आप कहोगे एक हम वो परपेंडिकुलर डालेंगे, मतलब दूरी कितनी हो जाएगी, 6 दूरी हो जाए, दूरी पूछ रहा है, तो ये केंद्र की जो वो है जीवा है 8 मीटर की है, तो इसमें कितने हो जाएगी, ये 4 आधी बढ़ जाएगी जैसे आप लंब डालोगे, ठीक है, 4 हो जाएगी, तो यहाँ से 6 है, यहाँ से 4 है, तो 6 का स्क्वायर 36 में से 16 चलेगा, 20 का मतलब क्या, 4 × 20 मतलब 2√5 ये दिया है, खत्म। कर सकते हैं माइंड में, बिल्कुल करेंगे, ये आप लोग इमेजिन जब करने लगोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। हमने ये तो कहा था, ये तो 6 दिया है, ठीक है, ये कह रहा था ये बताना दूरी, लेकिन इसके साथ ये भी दे रहा है कि केंद्र की दूरी है जो जीवा की लंबाई 8 है, तो ये आधे नहीं मार देता, ये परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर मतलब लंब, तो लंब की दूरी पूछ रहा है, तो माइंड में नहीं कर सकते क्या अपन, इतना छोटे छोटे क्वेश्चन ये तो अपन इमेजिन कर सकते हैं ना माइंड में, ये लोग आप लोग ध्यान रखें इस चीज़ को। अब ये सब लोगों को पता ही है कि जो जीवा होती है ये सबसे बड़ी जीवा होती है, यदि ये पूछता है जीवा बताओ, जीवा मतलब व्यास, सबसे बड़ा व्यास वही होता है जो केंद्र से होकर गुजरता है, ये केंद्र इससे गुजरे वही सबसे बड़ी जीवा होती है, सब लोगों को पता है, ठीक है, उसमें आपको क्षेत्रफल पता ही होता है आप लोगों को, फिर और वो पता ही है इसका परिधि क्या होगी, ठीक है, ये तो सब चीज़ें आप लोग जानते ही हैं। आप इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ पूछेगा तो आप लोग सब बता ही दोगे, होशियार हो आप लोग। चलिए समझते हैं, ये कह रहा है कि जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसके दीर्घतम जीवा क्या होगी, सबसे लंबी जीवा, देखो लेंथ सबसे लंबी कॉर्ड क्या होती है, वही जो व्यास होती है वही सबसे लंबी होती है, 10 × 20 दुगनी हो जाएगी, ठीक है, त्रिज्या की दुगनी होती है ना हमेशा, ये त्रिज्या की ये आधी है 10 तो 10 बार होगी, ये सबसे लंबी होती है हमेशा, जो व्यास जीवा बोलते हैं मतलब, ठीक है, इसे सबसे लंबी होती है, तो बहुत आसान था। अभी देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई तुम वो बताओ, यदि प्रायिकता इसकी प्रायिकता 0.55 है, तो क्या प्रायिकता है जो आज वर्षा नहीं होगी, मतलब वर्षा होने की प्रायिकता कितनी है, 55.55 मतलब कि समझ जाए, देखिए 0.55 100 में से 55 आपकी प्रायिकता है होने की, तो नहीं होने की क्या होगी, 100 में से वो 55 घटा दो, 45/100 मतलब 45/9/20 कहाँ है 9/20 देखते हैं 9/20 ये है सी, समझ कि नहीं, क्या कहा हमने कि जो वर्षा होने की प्रायिकता जब कह रहा है कि तुम 55 है, तो वर्षा नहीं होने की प्रायिकता, तो आप कह रहे हैं एक में से 55/100 घटा दो, क्या बजेगा 45/55 हमेशा जब नहीं होने की बात कर रहा है तो एक में से घटाया जाता है हमेशा, ठीक है, या पर 100 में से 55 घटा दो, हमेशा नीचे बेस वैल्यू होती है, सबसे बड़ी यही है 100 में से 55 है, 100 में से 45 नहीं है, करेक्ट, ये आप लोग चीज़ समझें और काट के पिट के पत्र निकाल दें। ये क्वेश्चन देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, लेकिन करने मार्ड में देखो, आप कह रहे हैं 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े और 3 मीटर गहरे घना के गड्ढे को 25 मीटर प्रति वर्ग मीटर, यहाँ क्यों कर लेना है, यहाँ पर मीटर क्यों होगा, ठीक है, 25 रुपये प्रति मीटर क्यों की दर से खोदने के लिए श्रम शुल्क क्या होगा। देखो आप क्या करना है, सूर्य कुछ नहीं करना है, आपस में गुणा करना है, ठीक है, तो गुणा आप लोग करो पहले कितना फास्ट करते हो, और फिर हम दिखाएंगे कि आप वास्तव में गुणा कर सकते थे, कितना फास्ट कर सकते हैं, 8, 6, 3 × 25 ठीक है, ये गुणा करना है आप लोगों, क्योंकि ये तो कह रहा है खोदने का श्रम शुल्क क्या होगा, करेक्ट, देखो कैसे कर रहे हैं आप लोग, करो भाई कितना फास्ट कर सकते हो, ये चीज़ भी सिखाएंगे हम आप लोगों को, चाइयों तक तो लग जाएंगे, ये वादा है मेरा। चलो समय दो, इसलिए हम क्या कहते हैं हर सवाल पर समय देना है, क्यों देना है, करके चले गए फिर क्या मतलब हुआ, हम कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे, ये समझाओ माइंड को। चलो हम क्या देख रहे हैं, हम 8 को जब देख रहे हैं ना, तो 4 इसमें से हम इसको दे रहे हैं 25 को, तो कितने बन जाएंगे 100, अब यहाँ कितने बचेंगे 2, 4, 8 हैं जो, हम इसको कैसे देख रहे हैं 4×2, आप भी ऐसे देखो नंबर को, क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें 25 को 100 बनाना है, या फिर हम 25 को गुणा करना है, तो हमें 100/4 ले सकते हैं,
सौ बटे चार, तो पहले हम दोनों प्रकार से सका रहे हैं, अब हमको गुणा करना था, तो हमने आठ को कैसे किया, चार इंटू दो लिख दिया, तो चार कहाँ चले गए, सौ बन गए। अब देखो दो बचे, तो दो का गुणा किया बारह, बारह तीस छत्तीस, छत्तीस सौ सत्तर हो गया, ख़त्म। गुणा कर सकते हैं फास्ट, यहाँ पर आपको पच्चीस से गुणा करना है, तो पच्चीस को कभी भी गुणा करो, तो सौ बटे चार मानो आप, सौ बटे चार। अब देखो चार दूनी आठ, ठीक है, अब ये गुणा कर लो, छः छत्ती छः दूनी अठारह दूनी छत्तीस हो गया, ख़त्म, छत्तीस सौ। आप पच्चीस से गुणा कभी भी करोगे तो हमेशा सौ बटे चार लिखा करो, ठीक है, ठीक। या पर मतलब आपको फिक्स नहीं रहना कि भैया भैया ने ऐसा सिखाया तो ऐसे ही करेंगे, नहीं नहीं, आप अपने हिसाब से सॉल्यूशन करने की कोशिश करो, लेकिन कैलकुलेशन नहीं करना, ये समझा अपने माइंड को, बस कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम। चलो ये देखो, 288 सेंटीमीटर वर्ग क्षेत्र में उत्तीर्ण करता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, तो वर्ग है, वर्ग में आपने एक वृत्त बनाया, ये कह रहा वर्ग है, इसमें आप एक वृत्त बनाना चाह रही है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, चार। ये आप लोगों को रट ले, ये जो याद कर लेना, वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा चार होगा और वृत्त का क्षेत्रफल पाई होगा, इनका रेशियो होता है, तो चार की वैल्यू हम दे रहे हैं 288, ये कह रहा है क्या, तो पाई की वैल्यू बतानी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बहत्तर पाई उत्तर हो जाएगा, खत्म। देखो लेकिन इतना फास्ट कैसे कर पाओगे, जब आपको ये चीज़ पता है, क्या पता है कि जो वर्ग है और वर्ग के अंदर यदि हम कोई वो बना रहे हैं, वृत्त बना रहे हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो चार रेशियो में रहेगा और जो वृत्त का क्षेत्रफल रहेगा वो पाई रहेगा, ये आप लोगों को याद है, तब इतना फास्ट कर पाओगे। देखो कैसे आपको सॉल्व करना है, तो हम करा दिखा देते हैं, ये कितनी है, ये दो मान लेते हैं हम, ये हम रेशियो बता रहे हैं कैसे निकल के आता है, तो हम कहते हैं जो है इसकी जो भुजा है वो दो है, तो वर्ग भुजा दो है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चार। चलो अब इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये आधी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, त्रिज्या तो एक हो जाएगी। अब इसका पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई कितना हो जाएगा, त्रिज्या एक है, त्रिज्या एक के हिसाब से पाई आर स्क्वायर तो एक हो गया, ये समझ आएगी नहीं, तो हमें समझा कि इसका रेशियो जो रहेगा वो चार और पाई में रहेगा, तो अब चार का क्षेत्रफल दे दिया इसने ये, ठीक है, तो हम कहे पाई का क्षेत्रफल बहत्तर पाई, करेक्ट, आसानी से कर सकते हैं। यदि आप लोग इस तरह सोचोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, नहीं सोचोगे तो नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ें, ये क्वेश्चन नहीं है, कहाँ पर गया, अब आगे बढ़ते हैं, ये हैं कुछ क्वेश्चन और भी देखे थे हमने, तब हल कर लेते हैं। पहले आप लोग जरूर हल किया करो हमारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के पहले, कि भाई हम कितना टाइम ले रहे हैं, इस सवाल को पहले आप लोग सॉल्व करो कितना टाइम लेते हो करने के लिए, शायद हो भी ना, आप हल भी ना हो सके, और हल हो भी जाता है तो टाइम बहुत लोगे, करेक्ट है। चलो लेकिन अपन पहले आप लोग सॉल्व करना, उसके बाद हम आपको कराते हैं। देखो क्या कह रहा है कि जो इसमें आप ये इस ए की वैल्यू बतानी है, जो देख रहा है आपको ये इसकी वैल्यू बतानी है, मतलब आप इसमें कुछ गुणा कर रहा है एक्स माइनस के तीन, ठीक है, तब जाके एक्स क्यू बना माइनस के चार एक्स स्क्वायर बना प्लस के एक्स प्लस के छः बना, ये चीज़ बना, करेक्ट है। तो ए की वैल्यू क्या रख सकते हैं जो ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट, तो हम आपको इसके सॉल्यूशन बताते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि इसमें क्या ऑप्शन रखे हैं, तो हमको क्या चाहिए, देखो पहले चार ऑप्शन देखो, चार ऑप्शनों में क्या दिया है, माइनस के दो दिया है, प्लस के दो दिया है, माइनस के दो दिया है, प्लस के दो दिया है, ठीक है। यदि हम मान लो पहला ऑप्शन लेते हैं, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ प्लस, यहाँ कहते हैं चाहिए छः चाहिए प्लस के, क्या चाहिए यहाँ पर देखो छः प्लस के छः चाहिए, प्लस के छः कैसे बन सकता है, जब यहाँ पर कितने हैं, माइनस के तीन है, तो माइनस के तीन की संख्या माइनस के दो का गुणा होना चाहिए, तब प्लस के छः बनेगा कि नहीं बनेगा, तो पहला उत्तर हो सकता है या फिर हमारा चौथा उत्तर हो सकता है, करेक्ट है। चलो अब अपने दिमाग में आ गया पहला या चौथा में से कोई एक हो सकता है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या चाहिए तुम्हें, यहाँ पर क्या चाहिए, प्लस के एक्स चाहिए, क्या चाहिए प्लस के एक्स, तो प्लस के एक्स कैसे बनेगा, जब आप कहोगे भैया प्लस के एक्स ऐसे बनेगा, प्लस के एक्स चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप कहोगे जो एक्स है इसका गुणा होना चाहिए हमारा, यहाँ पर ये देख लो माइनस के चार एक्स स्क्वायर, इसको देखो माइनस के चार एक्स स्क्वायर, देखो माइनस के चार एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, तो आप कहोगे इसको यदि हम एक्स का एक्स स्क्वायर का तीनों गुणा होगा तो माइनस के तीन एक्स स्क्वायर बन जाएगा, फिर क्या होगा, अब तो स्क्वायर कहीं बनेगा नहीं, अब यहाँ बनेगा, देखो माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स है, इसका फिर एक्स में होगा गुणा, तो क्या बनेगा माइनस के एक्स स्क्वायर और बन जाएगा यहाँ पर, तो माइनस के फोर एक्स स्क्वायर बनेगा, करेक्ट है। लेकिन चौथे में क्या है, चौथे में यहाँ पर आप करोगे माइनस तीन एक्स स्क्वायर तो बन जाएगा, लेकिन माइनस के एक्स स्क्वायर नहीं बनेगा, प्लस का एक्स स्क्वायर बनेगा, अपन को चाहिए माइनस का एक्स स्क्वायर, तो उत्तर क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। कैसे किया हमने सॉल्व, देखो समझो हमने सॉल्व ऐसे किया, हमने ये बताया आपको कि हमने पहला ऑप्शन लिया,
हमें चाहिए प्लस का छः। तो प्लस का छः कैसे बनेगा? आप कहोगे जब माइनस के तीन का माइनस के दो में गुणा हो, तो माइनस का दो ये था और यहाँ था, तो ये अपना ये दो उत्तर नहीं है, अपना बी और सी नहीं है, दोनों पहला और चौथा में से कोई एक हो सकता है। अब अपने दिमाग में आया माइनस के चार, माइनस के चार स्क्वायर कैसे बने? तो आप कहोगे यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है ये इसका इसमें गुणा होगा तीन में, तो माइनस के तीन एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। फिर एक्स अब और एक्स स्क्वायर कैसे बन सकता है? आप कहोगे ये एक्स है, ये जो एक्स है माइनस का, इसमें इसमें गुणा होगा एक्स में, तो क्या बनेगा? माइनस का एक्स स्क्वायर, तभी बनेगा चार एक्स स्क्वायर। और चौथे ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो पहले ही उत्तर हो जाएगा, बस आसानी से कर सकते थे। अब दूसरा तरीका समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको समय देते हैं सवालों पर इसलिए कि आप सवालों को हल कर सकें, करेक्ट, समय दे सकें। चलो हम कुछ एक्स की वैल्यू मान सकते हैं, बोलो मान सकते हैं, चलो आप बोले हाँ एक्स की वैल्यू हम मान सकते हैं, करेक्ट, हम कुछ भी मान लें एक्स की वैल्यू, हाँ मान लो आप बोले तो हम मान सकते हैं। यदि हम एक्स की वैल्यू, तो हम एक्स की वैल्यू हम 0-0 मानते हैं, तो आप कहोगे भैया ये ऑप्शन पहला और चौथा एक हो जाएंगे, क्योंकि माइनस के दो बचेंगे, ठीक है। हमने कि नहीं मान सकते, हमने कि चलो एक काम करो, पहले आप यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू वो नहीं मान पाते, एक्स की वैल्यू दो मान सकते हैं? आप बोले भैया दो मान लो, एक मान लो, हमने कहा एक्स की वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है, एक मानोगे एक्स की वैल्यू, तो आप कहोगे भैया ये दोनों दो ऑप्शन में से एक्स की वैल्यू एक मानोगे, तो आप कहोगे ठीक है भैया एक्स की वैल्यू एक मान लेते हैं हम, करेक्ट। तो इसमें दो बार वैल्यू पुट करके रख लो, करके देख लो, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ देखो आप चार ही मान सकते हो, एक्स की वैल्यू तीन ही मान लो, ठीक, एक्स की वैल्यू तीन मानोगे तो वही फिर दिक्कत हो जाएगा, दो ऑप्शनों में एक सा हो जाएगा। एक्स की वैल्यू चार मान लेते हैं, एक्स की वैल्यू क्या मान लेते हैं हम, चार मान लेते। पहले हमने क्या देखा, जीरो माना, तो जीरो में देखा दो ऑप्शन सही हो रहे थे, हम एक मान कर देख रहे थे एक्स की वैल्यू, तो हमको क्या दिक्कत आ रही थी कि दो ऑप्शन एक जो हो रहे थे ना, दो ऑप्शन ना अपने एक से हो रहे थे एक्स की वैल्यू एक मानने पर, ठीक है। एक्स की वैल्यू जैसे एक मानोगे ना आप, तो क्या होगा आपका कि जो है ना नहीं हो रहा, एक्स की वैल्यू एक मान सकते, चलो एक्स की वैल्यू एक रख के देख रहे हैं हम, देखो रख के देखा है, देखो इसमें जो एक्स की वैल्यू रखो कितने आ रहा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक रखोगे तो आप कहोगे एक हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के चार प्लस के एक प्लस के छः, ये कितना हो जाएगा एक और एक, ये देखो छः एक सात, सात में से चार चले जाएँ तीन, एक चार हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है, चार बचेंगे, कितने बचेंगे चार। यहाँ पर एक्स की वैल्यू एक रखा तो क्या होगा, माइनस के दो बचेंगे, क्या बचेंगे, माइनस के दो। अब यहाँ पर जो भी उत्तर रखोगे तो क्या होना चाहिए, माइनस के दो होना चाहिए अपने ऑप्शन में, ठीक है, माइनस दो होना चाहिए एक्स की वैल्यू एक रखने पर। एक्स की वैल्यू एक रखोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, एक और एक में से एक चला जाएगा, तो ये पहले में दो बढ़ रहा है माइनस का, ठीक है, आप कहोगे भैया ये पहले में दो बढ़ रहा है। और चौथे में देखो यहाँ पर आप कहोगे एक और एक, यहाँ पर जीरो बढ़ रहा है, ये नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ भी नहीं हो सकता, एक्स की वैल्यू माइनस दो चाहिए, यहाँ भी नहीं हो सकता। तो बिल्कुल पहली बार में अपना उत्तर आ गया, क्या समझे, एक्स की वैल्यू एक रखने पर अपना उत्तर आ गया है। ये दो ऑप्शन हमने आपको बताया, आपने दो तरीके, तो ये दोनों तरीके आप लोग रखेंगे। एक्स की वैल्यू हमने पहले जीरो रखा, नहीं आया, क्योंकि दोनों ऑप्शन एक से हो रहे थे, फिर हमने एक्स की बराबर एक रख के देखा तो अपना उत्तर आ गया, करेक्ट। इस तरह आप मान कर लगाओगे ना, सोचोगे तो आपके उत्तर आएंगे, आप नहीं सोचोगे, सवाल करके बढ़ जाओगे, तो यही दिक्कत आने वाली है, ठीक है। अब आ जाओ, ये तो सरल है, सब लोग जानते हो करना, ये क्या करना है इनका वो बताना, कर तीन का होता है तो माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का लगाया तो सब माइनस में, दो ऑप्शन में से कोई एक होगा बी और इन्हें माइनस माइनस आना, ये तीन का होता है, ये चौदह का होता है, आप लोगों को पता है 14-42 उत्तर का था, ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही हो करना, इसके लिए कुछ ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो ये करते हैं, इस सवाल को हम आपको डिसम से बताते हैं, चलो क्या कह रहा है बतवा, ये हमने आपको एक चीज़ बताई थी पिछले सॉल्यूशन में कि यहाँ लिखोगे आप इनिशियल वैल्यू, यहाँ लिखोगे फाइनल वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर आप 100, आप कितनी बढ़ रही, 105 बढ़ रही, तो 105 हो गए, दो बार बढ़ रही तो दो बार, ये होती सक्सेसिव बोलते हैं इन्हें, ठीक है। ये अब इनिशियल मतलब ये है प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है 2800, तो आई की जगह मतलब रख दो 2800, कैसे बन जाएगा 2800। फाइनल बताना है कि बढ़ने के बाद कितनी हो गई, तो आप कहोगे 100 105 हो गई और 105 हो गई, 100 105 हो गई, ठीक है। अब आप लोग कैलकुलेशन करिए और हल कर लेना, ठीक है, ये तो आपको, अब आप लोग दिमाग लगाओ कि कैलकुलेशन करोगे कितना टाइम लगाओगे, फिर भी हम आपको पूरा कैलकुलेशन करके बता देते जो आप लोग करते हो, ऐसे ही करते होगे, 21 से काटोगे 20 और 20 हो गया, यहाँ भी 21 और 20 हो जाएगा, ठीक है, चलो कर लो, ये दो बिंदी से ये दो बिंदी कट जाएंगी, ठीक है, फिर चार दो चार सतें 28 हो जाएगा, ठीक है,
इक्कीस इक्कीस कितना हो जाएगा, ऊपर कितना बचा, ऊपर आप कहोगे ऊपर बचा इक्कीस इंटू इक्कीस, और नीचे तो कुछ बता नहीं था। यहाँ पर फाइनल वैल्यू यहाँ पर कितना बचा था, चार सत्ते अट्ठाईस, यहाँ पर चार बचे थे ना, तो चार सत्ते अट्ठाईस से काट दिया था अपन ने, अट्ठाईस सात बार, सात सौ गुणा होगा इन दोनों में। इकाई मैच कर लो, क्या कर लो, यहाँ भी इकाई मैच कर लो, एक का एक में एक करो एक ही आएगा, और सात सौ गुणा होगा एक में दो, एक का एक में एक, सात एक में सात, सात आना चाहिए इकाई में, जी आ गया जीरो, एक जीरो रहेगा कहीं पर, जीरो लगा दो यहाँ पर होगा, अट्ठाईस हज़ार थे अट्ठाईस हज़ार, तो एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा, करेक्ट। इकाई मैच कर लिया, यहाँ भी पूरी कैलकुलेशन नहीं किया अपन ने, लेकिन इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है। अपन लगा रहे डिजिट सम, डिजिट सम देखो, आपको आपने समझे कि अट्ठाईस सौ आ रहा है हमारे, ठीक है अट्ठाईस हज़ार है, पर आपके दिमाग में आ रहा है कि यहाँ अट्ठाईस हज़ार है, यहाँ पर फाइनल वैल्यू बताने हैं, यहाँ पर कितना है, एक सौ पाँच, एक सौ पाँच, यहाँ पर सौ है, एक सौ पाँच है, एक और एक से पाँच, ये आप लोग जानते हो करना, ठीक है। यहाँ देखो इनका डिजिट सम कितना हो रहा है, छः, यहाँ पर देखो इनका भी छः होगा, छः का छः में गुणा करो छत्तीस, छत्तीस में फिर छः तीन नौ हो गया, नौ हो गया तो जीरो, नौ जब कभी देखे तो जीरो हो जाता है। अब यहाँ पर कितना बचे, अब अट्ठाईस कहाँ जाएंगे, ऊपर, अट्ठाईस ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, और नौ तो है ही डिजसम, यहाँ पर देखो इनका कितना हो रहा है डिजसम, एक हो रहा, नौ का एक मुकड़ा करोगे तो जीरो बन जाता, मतलब नौ कभी भी देख, नौ है तो नौ का मतलब जीरो हो गया। अब आठ और दो को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, एक, एक आना चाहिए हमारा डिजसम, एक किस में आ रहा, पहले में एक नहीं आ रहा, दूसरे ऑप्शन में एक नहीं आ रहा, देखो जरा देखो तेज देखना है, ये तीसरे में एक आ रहा है, तीसरे में एक आ रहा है, तीसरा अपना उत्तर हो सकता है, चौथे में भी एक नहीं आ रहा, डिजसम एक, अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, करेक्ट। तो ये माइंड में अपन कर सकते कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, करेक्ट। कैसे किया हमने, फिर देखो अट्ठाईस हज़ार का हमने कहा हमको निकालना था एक सौ पाँच दो बार, ठीक है, एक सौ पाँच दो बार ये निकालना था कि नहीं निकालना था, ठीक है। तो हमने लगाया डिजिट सम कितना हो रहा, छः हो रहा डिजिट सम, छः इनका, छः इनका छत्तीस, छत्तीस में फिर छः तीन नौ, नौ देखें तो आपको जीरो हो जाता है उनका डिजिट सम, जब कभी नौ देखते हैं तो उनको जीरो मान लेना है आप लोगों को। अब देखो डिजिट सम यहाँ पर देखो आठ और दो दस, दस में एक और जीरो बना तो एक बन गया, एक डिजिट सम आना चाहिए, एक डिजिट सम आना चाहिए, अंकों का जोड़ एक होना चाहिए, तो इसमें देखो पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में है, तीसरे उत्तर हो जाएगा, इसमें अंकों का जोड़ एक होना चाहिए, करेक्ट है। ये आपके सॉल्यूशन हो गए पूरे, तो आपको पता ही होगा बहुत मज़ा आया होगा आपको, हमने आपको नई नई ट्रिकें बताई हैं, नए नए सॉल्यूशन बताए हैं, ठीक है। अब चलिए इसी के साथ अब अपन कल दूसरे चैप्टर के साथ आएंगे, कल दूसरा पेपर करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।